गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखो हम बीएससी फर्स्ट ईयर में अब तक जो हमने स्टडी की है वो की है गैस्ट्रुलेशन के बारे में स्टडी की, इंट्रोडक्शन बताया कि गैस्ट्रुलेशन क्या होता है और फैट मैप का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। फैट मैप एक संभावी रेखा चित्र होता है कि हम अंडे के अंदर ही, जैसे अंडे के अंदर ही हम उसकी स्थिति यानी कौन सा भाग क्या बनाएगा उसके बारे में हम बताएं। जैसे एम्फियोक्सिस का जो अंडा होता है, जैसे एम्फियोक्सिस के अंडे के बारे में आपको बता रहे हैं कि फैट मैप के बारे में हम जैसे स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें एक क्षेत्र ये होता है, एक क्षेत्र क्या होता है, ये होता है, दूसरा क्षेत्र ये होता है। हम एक फैट मैप बना के बता रहे हैं आपको, फिर एक क्षेत्र ये होता है, एक दो तीन चार सेक्टर मैंने इसमें डिवाइडेड किए गए हैं, सबको अलग अलग तरीके से हम कलरफुल करेंगे। इनको एक सेक्टर ये है, ठीक है, एक सेक्टर को हम लाइनिंग से, खड़ी लाइनिंग से करेंगे, ठीक है। एक सेक्टर को हम वर्ग बना देंगे इसके, ठीक है, और एक सेक्टर को हम डॉट डॉट कर देंगे, यानी ये संभावित रेखा चित्र है। ये किसमें बन रहा है, एम्फियोक्सिस। अब मैं नीचे एक इंडेक्स बना दूं कि जिस खाने के अंदर अगर ऐसे हैं डॉट डॉट है वो आगे चलकर क्या बनाएगा, मेजोडर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो ये सेंटर क्या बनाएगा, मेजोडर्म बनाएगा, क्या बनाएगा, मेजोडर्म का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। जबकि अगर मैं इसका इंडेक्स दे दूं कि ऐसे जो भी है वो क्या बनाएगा, एंडोडर्म बनाएगा। तो ये सेंटर क्या बनाएगा, एंडोडर्म का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, एंडोडर्म का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और अगर खड़ी लाइनिंग से मैं अगर रिप्रेजेंट करता हूं, इससे करूं खड़ी लाइनिंग से अगर रिप्रेजेंट करूं मैं, तो वो सेंटर क्या बनाएगा, एक्टोडर्म बनाएगा, क्या बनाएगा, एक्टोडर्म। तो ये सेंटर क्या बनाएगा, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बिल्कुल इस क्षेत्र की बात करते हैं तो ये क्या बनाती है, अगर इस क्षेत्र की बात करें ऐसे ग्रुप बने हो वो क्या बनाती है, नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करेगी, नोटोकॉर्ड का, ठीक है ना। तो ये इसका एक फैट मैप है, किसका फैट मैप है, एम्फियोक्सिस, यानी इस अंडे के अंदर मैंने आपको सब चीजें बता दी। इतना सा क्षेत्र क्या बनाएगा, एंडोडर्म का फॉर्मेशन करेगा, ये क्षेत्र क्या बनाएगा, मेजोडर्म का फॉर्मेशन करेगा, ये क्षेत्र क्या बनाएगा, नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये क्षेत्र क्या बनाएगा, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो हमने चित्र के द्वारा इस अंडे में सभी भागों को बांट दिया कि फ्यूचर में कौन सा भाग क्या बनाएगा, कौन सा भाग क्या नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करने को क्या बोलते हैं, संभावी रेखा चित्र। ये किसका है, एम्फियोक्सिस, एम्फियोक्सिस सदस्य है सिफिलोकोर्डेटा का, कोर्डेटा का ही सदस्य है लेकिन प्रोटोकोर्डेट्स की श्रेणी में आता है। अब पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रुलेशन, यानी ऐसी कोशिकाओं में डिवाइडेशन हुआ है, ये कोशिकाएं मेजोडर्म बनाएगी, ये एक्टोडर्म बनाएगी, ये नोटोकॉर्ड बनाएगी, ये क्या बनाएगी,
एंडोडर्म का फॉर्मेशन करेगी। तो ये कोशिकाएं जो भी होती है, हमने पढ़ा है कि जैसे ये है, इसमें जैसे ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं अपने अभी इनका भविष्य निश्चित नहीं हुआ है, तो सबसे पहले तो इनमें विभेदन होगा। इसकी क्रिया होगी, विभेदन की क्रिया विधि होगी, और विभेदन होने के बाद में ये सारे के सारे पौराणिक खंड, सेकंड स्टेप फर्स्ट स्टेप में सेकंड क्या होगा, सभी पौराणिक खंड अपने निर्देशित स्थान की तरफ गमन करेंगे। इसको अंदर जाना है या इसको इधर आना है या इसको इधर जाना है, ये गतियां होंगी जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोजेनेटिक मोमेंट्स, आकारिकी संरचनात्मक गतियां। क्या बोलते हैं उसको, आकारिकी संरचनात्मक गतियां। अर्थात गैस्टुलेशन एक वह समकालिक सक्रिय क्रिया है जिसके अंदर, जिसमें अविभेदित कोशिकाओं का विभेदन होता है और विभेदित कोशिकाएं निर्दिष्ट स्थान तक गमन करती हैं, और इस प्रकार के गमन को बोलते हैं आकारिकी संरचनात्मक गतियां। क्या बोलते हैं, आकारिकी संरचनात्मक गतियां। अब देखो, कोशिकाओं का गति करना, इन कोरक खंडों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास में ये स्टूडेंट्स हैं, ये अलग अलग गर्ल्स एंड बॉयज हैं, इनमें मैं इन स्टूडेंटों को बोल देता हूं कि आपको बीच में ही रहना है, बीच में एक गोला बनाना है, गोले के अंदर आपको खड़ा होना है। इनमें जिनमें मैं कलर लाइनिंग कर रहा हूं, इन स्टूडेंटों को ऐसे बोलते हैं हम कि भाई आपको कहां पर जाना है, मध्य में जाना है, बीच में, यानी सबसे अंदर और बाहर के बीच में, मिड में, ठीक है। और जिनके अंदर सिर्फ डॉट डॉट लगा हुआ है, इनको कहां जाना है, परिधि की तरफ जाना है। अभी ये विधि व्यवस्था में इनका मैंने भविष्य निश्चित कर दिया। अब ये क्या करेंगे, ये तुरंत ही जैसे ही इनको ऑर्डर मिलेगा, इनको निर्देश मिलेगा, निर्देश के अनुसार ये आगे की तरफ गमन, यानी इनमें गमन की क्रिया होगी, ये अपने स्थान पर जाएंगे। तो यहां से अगर इसको बाहर जाना है तो गति करेगी, इसे यहीं पे रहना है तो यही रहेगी, लेकिन इसको अंदर से बाहर जाना है और इसको बाहर से अंदर आना है, तो इसके लिए इनमें गतियां होती हैं, क्योंकि इनको निर्देश मिला है कि इस प्रकार से इनमें गतियां होती हैं, ठीक है। तो ये चीज देखिए, ये तीन देखिए, इसके अंदर क्या होता है, जो मैंने आपको नामकरण किया नहीं बताया है कि ये कोशिकाएं जो होती है बीच में आएगी, जैसे हमने वन, ये कोशिकाएं मिड में आकर स्थापित होगी, ये वाली, ठीक है। अब जो मैंने लाइनिंग में बनाई थी वो कोशिकाएं ये है, अपने निर्दिष्ट स्थान, उनको निर्देश क्या दिया था हमने कि आपको मध्य में आकर स्थापित होना है, जिनको डॉट लगाया था इनको कहा गया था कि आपको परिधि पर जाकर स्थापित होना है, तो ये परिधि वाली आ गई। तो कोशिकाएं कितने स्तरों में जमा होंगी, तीन में,
एक बाहर वाले, एक मध्य वाला और एक सबसे अंदर। सबसे बाहर की तरफ जो है उसे बोलते हैं एक्टोडर्म, बीच में है उसे बोलते हैं मेसोडर्म, और सबसे अंदर की तरफ होती है उन्हें बोलते हैं एंडोडर्म। अतः पहले बहुत से तय नहीं था, उनका विभेदन नहीं था, अब इनका जैसे विभेदन हुआ, विभेदन होने के बाद में ये कोशिकाएं अपने निर्दिष्ट स्थान की तरफ गमन करती है और वो गमन कहलाता है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, आकारी की संरचनात्मक गतियां। ठीक है, एडल्ट प्राणी में ये देखो, अब हम ये गतियां यहां से मान लो कि दूसरा डायग्राम से मैं आपको समझा रहा हूं, किसी कोशिका को मान लीजिए, किसी कोशिका को यहां से बीच में जाना है, या इस कोशिका को और इस कोशिका को यहां पर फैलना है और इस कोशिका को अंदर भेजना है, ये कोशिका अंदर कैसे जाएगी, या यहां पर कोशिका इकट्ठी है इनको परिधि की तरफ आना है, तो कितने प्रकार से आ सकती है। अतः आकारी की संरचनात्मक गतियां कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। पहली होती है एपी मोडी, देखो मॉर्फो जेनेटिक मूवमेंट आकारिकी संरचनात्मक गतियां, आकारिकी संरचनात्मक गतियां विभेदित कोशिकाओं का अपने निर्दिष्ट स्थान की तरफ गमन जिस गति के द्वारा किया जाता है उसे बोलते हैं मॉर्फोजेनेटिक मोमेंट, जिसके फलस्वरूप त्रिस्तरीय गैस्टुला का निर्माण होता है, तीन जनन स्तरों में कोशिकाएं स्थापित हो जाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, अब ये कितने प्रकार की होती हैं गतियां, दो प्रकार की होती हैं, इसे सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहली है एपिबोली, इसे क्या बोलते हैं, एपिबोली। ठीक है, और इसे हम हिंदी में बोलते हैं अध्यारोहणी गतियां, एपिबोली मूवमेंट, अध्यारोहणी गतियां। ठीक है, दूसरी होती है इम्बोली, अंतरारोहणी गतियां। एपिबोली की बात करते हैं, एपिबोली इस प्रकार की गतियां कोरक की संभावी एक्टोडर्मल कोशिकाओं यानी संभावी एक्टोडर्मल कोरक खंडों में पाई जाती है, किसे पाई जाती है, संभावी एक्टोडर्मल कोशिकाओं में। जैसे मान लीजिए एक कोशिका ये है, एक ये है, ऐसे गति के द्वारा किसका निर्माण होता है, एक्टोडर्म का निर्माण होता है, और कौन सी कोशिका में होता है, संभावी एक्टोडर्मल कोरक खंडों में। इसका मतलब क्या है, देखो वे कोरक खंड जो एक्टोडर्म का निर्माण करते हैं उनमें किस प्रकार की गति होती है, एपिबोली प्रकार की। मैं यहां पर जिनको लाइनिंग कर रहा हूं वो कोशिकाएं क्या करती हैं, एक्टोडर्म का निर्माण करती है सिर्फ,
जिसको डार्क मैंने कर दिया है, लाइनिंग करके डार्क कर दिया है, वो कोशिकाएं सिर्फ किसका फॉर्मेशन करती है? एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करती है, अन्य कोशिकाएं एक्टोडर्म का फॉर्मेशन नहीं करती है। अब मैं इनका भविष्य निश्चित हो गया है, यानी निवेदन हो गया है कि आपको एक्टोडर्म बनाना है, ठीक है। अब इन कोशिकाएं जो एक्टोडर्म बना सकती हैं, संभावी एक्टोडर्मल कोशिकाएं हैं ये, इनमें चपटे होने का गुण पाया जाता है, चपटे होने का गुण पाया जाता है। कोई भी कोशिका ऐसे है, अगर वो चपटी हो जाएगी तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, चपटी होगी तो चपटी होगी तो अपनी ही जगह पर ये कोशिका क्या होगी, प्रसरित होगी, फैलेगी। और ये कोशिका, अगर ये कोशिका और ये कोशिका फैलेगी तो इस कोशिका को अंदर की तरफ धकेलेगी, क्या करेगी, अंदर की तरफ धकेलेगी और उसकी जगह पर खुद फैल जाएगी। ऐसे ये कोशिका फैलेगी तो इन कोशिकाओं को अंदर भेज देगी, ये कोशिका अंदर आ जाएगी जो खाली पड़ी हो, और इनका स्थान कौन ले लेगी, ये जो काली मैंने कोशिकाएं बनाई हैं, जो संभावी एक्टोडर्मल कोशिकाएं हैं, फैल कर चपटी हो जाती है और क्या करती है, ये मेजोडर्मल, ये जो खाली पड़ी है इन कोशिकाओं को क्या बोल सकते हैं, मेजोडर्मल और एंडोडर्मल, कौन सी, संभावी, यानी ये वे कोशिकाएं हैं जो भविष्य में मेजोडर्म बनाती है या एंडोडर्म बनाती है। उन कोशिकाओं को ये क्या करेगी, दबाव देकर इनको अंदर की तरफ भेज देगी और खुद उनकी जगह प्रसरित होकर किसका फॉर्मेशन करती है, ये बनाती है, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन कर लेती है। नेक्स्ट डायग्राम जो हम देखते हैं उसके अंदर सिर्फ आपको बाहर की तरफ ये कोशिकाएं नजर आएंगी। चपटी होगी, ये ब्लैक हिस्सा, जो ब्लैक कोशिकाएं थी, खाली कोशिकाएं थी, वो नहीं मिलेंगी। और किसका फॉर्मेशन कर लिया इसने, एक्टोडर्म का। और खाली कोशिकाओं को कहां भेज दिया इसने, अंदर की तरफ, कहां पर भेज दिया, अंदर की तरफ आ गई। अब इस स्ट्रक्चर से ऐसे स्ट्रक्चर बन गए। तो इस प्रकार की कोशिकाओं को फैलना और संभावी एंडोडर्मल और मेजोडर्मल कोशिकाओं को प्रतिस्थापित कर देना, उनकी जगह से अंदर की तरफ भेज देना क्या कहलाता है, एपिबोली कहलाती है। ये सिर्फ एक जगह को छोड़कर, जिसे हम ब्लास्टोफोर कहते हैं, एक जगह को छोड़कर संपूर्ण, देखो संभावी एक्टोडर्मल कोशिकाएं केवल कोरक छिद्र, ब्लास्टोफोर छिद्र को छोड़कर संपूर्ण भ्रूण को चारों तरफ से घेर लेती है। इस तरह एक उपकला का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, एपिबोली मोमेंट, क्या बोलते हैं, एपिबोली मोमेंट, जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन होगा, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट जो अपनी गति होती है उसे बोलते हैं हम इम्बोली, कौन से बोलते हैं, सेकेंड जो गति होती है उसे बोलते हैं हम इम्बोली, क्या बोलते हैं इसको, इम्बोली। इसे हम अंतरारोहणी गति, अंतरारोहण, यानी ये कोशिकाएं जो अंदर की तरफ जा रही हैं, ये किस तरीके से जाएंगी, और इस गति के द्वारा एंडोडर्म और मेजोडर्म
कौन सी गति के द्वारा? इम्बोली मूवमेंट के द्वारा एंडोडर्म और मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है। कौन सी कोशिका में होता है? संभावी मीजोडर्मल और एंडोडर्मल कोशिकाओं के अंदर कौन सी गति होती है? इम्बोली। कोशिकाओं का अंतरारोहण, अंदर की तरफ जाती है कोशिकाएं, ये कोशिकाएं अंदर की तरफ जा रही है, तो उस गति को क्या बोलते हैं? इम्बोली। अब भ्रूणीय विकास के दौरान विभिन्न प्राणियों में अंदर की तरफ कोशिकाएं भिन्न भिन्न तरीके से जाती हैं। ये भी कई प्रकार का होता है, अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरीका है। जैसे हम आपको बताएं, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है, जैसे हम एक क्लासरूम में, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ उसमें, जैसे हमारे पास एक क्लासरूम है या कोई भी एक जगह है और गकड़, यहां से इसे यहां पर जाना है, टारगेट जगह है टी, या ऐसे मान लीजिए हाँ यहां से यहां जाना है या यहां से नीचे आना है या इधर जाना है या इसको इधर जाना है, तो यहां से अपने टारगेट जगह पर जाने का अलग अलग तरीका होता है। एक तो लुढ़क कर जाए, एक धसना जिसे बोलते हैं इनवेजिनेशन, उसे क्या बोलते हैं? इनवेजिनेशन। जैसे हम मावे के अंदर, जब मावा बनता है उसके अंदर हम कोई भी ठोस वस्तु डाल देते हैं तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ धस जाती है, जिस प्रकार से व्यक्ति दलदल में गिरने के बाद में धीरे धीरे अंदर की तरफ धसता जाता है, तो धसना एक तो, एक लुढ़कना इनवोल्यूशन, ठीक है, एक फैलना यानी कोशिकाएं जैसे यहां पर है अलग अलग है, कोशिकाएं यहां पर इकट्ठी है, इन कोशिकाओं को यहां पर जाना है तो इसे बोलते हैं डाइवर्जेंस, बीच में से मध्य में से साइड में आना। इसी तरह से हम अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे, वो है पहला है हमारे पास में इनवेजिनेशन, कौन सा है? इनवेजिनेशन प्रथम, इम्बोली का प्रथम प्रकार कौन सा है? इनवेजिनेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं अंतर्वलन, अंतर्वलन। इसमें कोशिकाएं क्या होती है? कोशिकाएं धसती है अंदर की तरफ, जैसे ये है ये अंदर की तरफ धसती है ऐसे, ऐसा। कोशिकाएं धस रही है अंदर, जैसे हम गुब्बारे में अंगुली से दबाए तो गुब्बारा अंदर की तरफ धसता है, और धसने वाले जहां पर एक छिद्र बनता है इस छिद्र को बोलते हैं ब्लास्टोफोर, कोरक मुख। जिस जगह से कोशिकाएं अंदर की तरफ धसे, लुढ़के कैसे भी हो अंदर की तरफ जब जाती है तो जिस जगह पर छिद्र बनता है उसे क्या बोलते हैं? ब्लास्टोफोर, कोरक मुख, जिसमें इसको बड़ा कर बना बड़ा बनाता हूं, ऐसे अंदर की तरफ धस रही है कोशिकाएं। इसमें ये लिप होता है डोर्सल लिप, डोर्सल लिप, प्रस्ट होंठ इसे बोलते हैं, प्रस्ट होंठ, और ये छिद्र क्या कहलाता है? ब्लास्टो फोर, कोरक मुख। जैसे जैसे ये गहराई में धसता जाता है इस छिद्र की साइज सिकुड़ती जाती है, क्या होती जाएगी? सिकुड़ती जाएगी, ठीक है। अब कोशिकाओं का अंदर की तरफ धसना क्या कहलाता है? इनवेजिनेशन, क्या कहलाता है? इनवेजिनेशन, जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे
ये एम्ब्रियो अर्धचंद्राकार आकृति धारण कर लेगा, ऐसे ये सिकुड़ता जाएगा, यहां से सिकुड़ गए, पहले चौड़ा तब सिकुड़ गए, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि ये और ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे, ऐसा, और ये कनेक्शन यहां से टूट जाएगा और ये मिल जाएगा, ये कनेक्शन लेयर बनेगी। ये एक्टोडर्म थी, ये मेजोडर्म है, और ये क्या कहलाती है, एंडोडर्म। तीन लेयर का फॉर्मेशन हो गया, कोशिकाएं तीन स्तर में जमा हो गई, ठीक है। दूसरा जो प्रकार है इनवेजिनेशन के बाद में है वो है इनवोल्यूशन। कोशिकाएं अंदर की तरफ लुढ़के, कोशिकाएं अंदर की तरफ लुढ़कती है। अगर अंदर कोशिकाओं का गमन, जैसे इसमें कोशिकाएं अंदर जा रही हैं, ये कोशिकाएं, ये कोशिकाएं अंदर अगर जाए और लुढ़क कर जाए तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं हम, इनवोल्यूशन। क्या कहते हैं उसको, इनवोल्यूशन, अंतर्वेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर्वेशन। दो हो गया, तीसरा कन्वर्जेंस। सी प्रकार की जो गति होती है उसे बोलते हैं कन्वर्जेंस, इसे हिंदी में जो बोलते हैं अभिसरण, फैलना, अभिसरण। जैसे ये कोशिकाएं, ये है कोशिकाएं, यहां पर इकट्ठी है, यहां पर एक्टोडर्म का फॉर्मेशन हो गया पहले, ठीक है। अब एक निश्चित स्थान पर जमा होनी है, सॉरी, ये डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस तो क्या होता है, जैसे ये कोशिकाएं हैं, ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्षेत्र विशेष की कोशिकाएं स्थानांतरित होकर एक निश्चित स्थान पर एकत्र हो जाए। मान लीजिए इन सभी कोशिकाओं को जो मैंने बनाई है, इनमें से इन कोशिकाओं को यहां पर इकट्ठा होना है, इस जगह जो मैंने यहां पर डॉट लगाया है, यहां पर इकट्ठा होना है। एक जगह पर कोशिकाओं को, यानी निश्चित स्थान पर कोशिकाओं का एकत्र होना अभिसरण कहलाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस। ये कोशिकाएं इधर आएंगी ऐसे एक जगह पर, ये क्रियाविधि क्या कहलाती है, कन्वर्जेंस, ठीक है। डाइवर्जेंस जस्ट इसकी उल्टी है, बी डाइवर्जेंस। अभी किसे क्या बोलते हैं, अपसरण, किसे क्या बोलते हैं, अपसरण। यदि कोशिकाएं एक जगह पर इकट्ठी हैं, ये कोशिकाएं एक जगह पर इकट्ठी हैं, इस कोशिका को यहां जाना है, इस कोशिका को इधर जाना है, इस कोशिका को इधर जाना है, इस कोशिका को इधर जाना है, इसको इधर जाना है, अर्थात कन्वर्जेंस की उल्टी क्रिया होती है, जिसमें कोशिकाएं कोरक छिद्र से अंतर्वलित होकर भीतर आ जाती है। अंदर को चली गई कोशिकाएं, मान लीजिए इस क्रिया के द्वारा, लेकिन ये एक जगह पर इकट्ठी है। अब एक जगह पर जो इकट्ठी कोशिकाएं हैं वो क्या होती है, अपने संभावित क्षेत्र पर जाती है। इस कोशिका को इधर जाना है, इसको इधर जाना है, इसको इधर जाना है, इसको इधर जाना है, तो कोशिकाओं का क्या हो रहा है, अपसरण हो रहा है, कोशिकाएं अपने अपने दिशा में अपसरित हो रही है। और किसका फॉर्मेशन करती है, मेजोडर्म का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। एक है ई प्रकार का जो है पॉली इनवेजिनेशन,
फलन, अर्थात अगर कोशिकाएं इसके अंदर जैसे ये है, पहले एक जगह से कोशिकाएं अंदर जा रही थी, अब कोशिकाएं दो तीन जगह से अंदर है, ऐसे अंदर की तरफ लुढ़के कोशिकाएं अलग अलग जगह से ऐसे यहां से भी अंदर जा रही है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, तो इसे क्या बोलते हैं? पॉली इनवेजिनेशन, बहु अंतर्वलन। क्या बोलते हैं इसको? बहु अंतर्वलन। ठीक है ना, एक ध्रुव से जा रही है कोशिकाएं अंदर की तरफ ऐसे। अगर कोशिकाएं सिर्फ एक ही ध्रुव से जा रही है, एक ही सेंटर से जा रही है, जैसे यहां से अंदर जा रही है सिर्फ इस जगह से, तो इसे हम क्या बोलते हैं? यूनिपोलर, एक ध्रुवीय पोली इनवेजिनेशन। और अगर ऐसे, और यही अंतर वलन अगर इस गैस्ट्रोला में से कोशिकाएं अंदर की तरफ गमन अगर एक जगह से न होकर इधर से भी अंदर आ रही है, इधर से भी कोशिकाएं अंदर जा रही है, इधर से भी अंदर जा रही है, ये अंदर आ रही है, ये अंदर आ रही है, ये अंदर आ रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मल्टी पोलर इनवेजिनेशन, बहु अंतर्वलन, बहुध्रुवीय। इसे क्या बोलते हैं? बहुध्रुवीय। बहु अंतर्वलन कितने प्रकार का होता है? दो, एक ये और दूसरा ये। ये तो है मल्टी पोलर बहुध्रुवीय, और ये क्या है? एक ध्रुवीय योनि पोलर। इसे क्या बोलते हैं? योनि पोलर। ठीक है ना, तो ये है हमारे इनवेजिनेशन। ठीक है, एक होता है विस्तरण। विस्तरण में क्या होता है? कोशिकाएं जैसे बिखरी हुई अवस्था में है, कोशिकाएं जैसे बिखरी हुई अवस्था में है, और ये दो लेयर में जमा हो जाती है। ऐसे कितने लेयर में जमा हो जाएगी? दो लेयर में। इसे क्या बोलते हैं? विस्तरण। क्या बोलते हैं? विस्तरण, एक्सटेंशन, सॉरी एक्सटेंशन नहीं, डी एलिमिनेशन। क्या बोलते इसको? डी एलिमिनेशन। ठीक है ना, ये है, इसे बोलते हैं विस्तरण की क्रिया, इस प्रकार की गति होना। तो इस प्रकार से हमने कई प्रकार की इम्बोली के प्रकार पढ़े हैं। जैसे एपिबोली में एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है, इम्बोली के अंदर एंडोडर्म और मेजोडर्म का फॉर्मेशन होता है। अब इम्बोली भी कई प्रकार की होती है, इनवेजिनेशन, कोशिकाओं का अंदर की तरफ धसना, इनवोल्यूशन, कोशिकाओं का अंदर की तरफ लुढ़कना, कन्वर्जेंस, कोशिकाएं अगर एक जगह पर, यानी उन्हें एक जगह पे इकट्ठा होना है, अलग अलग क्षेत्रों से आकर एक निश्चित स्थान पर आकर इकट्ठा हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस। अगर एक जगह से कोशिकाएं अलग अलग दिशाओं में अपने निर्दिष्ट स्थान पर गमन करती है, उसे बोलते हैं डाइवर्जेंस। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। बहु अंतर्वलन का मतलब हो गया, कोशिकाएं अगर अलग अलग एक ध्रुव के बजाय अनेक ध्रुवों से अंदर की तरफ लुढ़के, तो उसे क्या बोलते हैं? पोली इनवेजिनेशन, अंदर की तरफ धसे। एक ध्रुव के बजाय अगर अनेक ध्रुवों से अंदर की तरफ धसती है, तो उसे क्या बोलते हैं? पोली इनवेजिनेशन। ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है एक ध्रुवीय, अगर एक ध्रुव से ही अंदर की तरफ धसती है कोशिकाएं, तो उसे मोनोपोलर यानी यूनिपोलर इनवेजिनेशन बोलते हैं, पोली इनवेजिनेशन। अगर दो ध्रुव या दो से अधिक ध्रुवों की अंदर की तरफ कोशिकाएं लुढ़क यानी अंदर की तरफ धसती है, तो उसे क्या बोलते हैं? मल्टीपोलर पोली इनवेजिनेशन। और ये लास्ट में है
एक्सटेंशन। ठीक है, ये हो गया हमारे गैस्ट्रुलेशन की क्रिया विधि, जिसके अंदर मॉर्फोजेनेटिक मोमेंट्स कोशिकाएं तीन स्तरों में जमा हो जाती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म। एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है एपिबोली के द्वारा और मेजोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है एम्बोली के द्वारा। ठीक है, यह हो गया आपका कंप्लीट गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस। ठीक, जय हिंद।